गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के घटक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक सेल को सेल होने के लिए आवश्यक है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक या किसी भी प्रकार की कोशिकाएं हैं, उसमें कुछ घटक जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका को बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करती है, उसमें डिस्ट्रिक्विश करने में हेल्पफुल रहती है कि एक आवरण की वजह से या एक ऐसे पदार्थ की वजह से वो सेपरेट रहती है। दूसरा जो होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। सभी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। लास्टली होता है जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए में से कुछ भी हो सकता है और ये उसको केंद्रक जैसे संरचना में स्टोर कर भी सकते हैं और कहीं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो इंट्रोडक्शन, लिविंग सेल्स को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक जिसमें कि आर्किया वेब बैक्टीरिया शामिल है और यूकैरियोटिक में प्लांट फंजाई एनिमल सेल और अदर यूकैरियोटिक कोशिकाएँ सम्मिलित हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, हम यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें पाई जाती है या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल वालों को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं और इनका जो साइज होता है वो 3 माइक्रोमीटर से कम होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसमें उपस्थित होता है लेकिन वो केंद्र के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जिस वजह से इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। न्यूक्लियोइड कंटेन्स अ सिंगल क्रोमोसोम एंड अ पीस ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। यहाँ पर जो अन्य पदार्थ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन, ये सब एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और ये साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, पिनेकोसाइट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। मीजोसोम एंड गैस वैक्यूल्स मे बी प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर कुछ एक संरचना है मीजोसोम जो कि प्रोकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ धस के कुछ इस प्रकार की संरचनाएँ बनाती हैं उंगलीनुमा, और उनको मीजोसोम कहा जाता है। ये एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का होमोलोगस ऑर्गन है और बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लूकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इट मे ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर्म इन सम प्रोकैरियोट्स। The respiratory system is located in the plasma membrane. The lysosome is absent in prokaryotes. It show a wide variety of anaerobic enzyme yield mechanism. A prokaryotic cells has the ability to fix atmospheric nitrogen. It shows the presence of magnetostome. The guanine and cytosine content is around 28 to 70%। यहाँ पर जो guanine और cytosine होता है वो 28 से 70% उपस्थित होता है prokaryotic जो nucleoid होता है उसके अंदर। protein synthesis cytoplasm के अंदर होता है। यहाँ पर कुछ अन्य संरचनाएँ जैसे कि flagella, pili और capsule उपस्थित होता है। क्रोमोसोम एक सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर में उपस्थित होता है। इनमें मियोसिस और माइटोसिस मैकेनिज्म जो होती है वो एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरिड आउट बाय बाइनरी फिजन मैकेनिज्म। यहाँ मैग्नेटोजेनेसिस इज एब्सेंट इन दीज सेल्स। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्कोबैक्टीरिया। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कोशिका द्रव जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स
उपस्थित है। ये मध्य में साइटोप्लाज्म और इसके चारों तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जबकि ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो फैला हुआ बिखरा हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें कि प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं, यह न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विदाउट अ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। ऑल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटीरियल। ये प्रोकैरियोटिक एक बैक्टीरिया जिसमें कि बाहर ये पिल्लाई जैसी संरचना दिखती है, ये कैप्सूल है ग्रीन कलर का और इसके अंदर सेल वॉल उपस्थित होती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। ये राइबोसोम है और ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल, ये फ्लैजिलम उपस्थित है। साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर जेली जैसे साइटोसोम होते हैं, सोल होते हैं, साथ ही इनमें निलंबित सेलुलर संरचनाएँ होती हैं। डीएनए कोशिका की अनुवांशिक सामग्री राइबोसोम आणविक मशीन है जो प्रोटीन को संश्लेषित करती है। इन समानता के बावजूद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं में बहुत विभिन्नताएं हैं। एक अकेंद्रकीय एक सरल एक कोशिकीय जीव है जो कि एक नाभिक और झिल्ली से बंधा अंगों का अभाव होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो उसमें नहीं होते। प्रोकैरियोटिक डीएनए जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है और इसमें आमतौर पर एक एकल बड़े लूप होते हैं जिसे एक परिपथ गुणसूत्र कहा जाता है। ये है फ्लैजिलम और ये है पिलस, ये जो कि रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनती है, सेल वॉल और ये न्यूक्लियोइड राइबोसोम ये उपस्थित होते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया हालांकि पेप्टिडोग्लाइकन के बने कठोर भित्ती कोशिका भित्ती से घिरे होते हैं जो कि बहुलक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे प्रोटीन से बना होता है। सेल की दीवार सुरक्षा की आंतरिक अतिरिक्त परत प्रदान करती है। सेल इसके आकार को बनाए रखने में मदद करती है और निर्जलीकरण को रोकती है। कई बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट की एक बाहरी परत भी होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि अपने वातावरण को सेल अपने वातावरण में सतहों को देती है और उस पर हेल्प करती है। मतलब कैप्सूल होता है जो कि यहाँ से रेस्पिरेशन वगैरह सेल जो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या कैप्सूल उनके थ्रू ही हो सकती है आराम से, इसलिए ये थोड़ा लसलसा सा चिपचिपा सा होता है इसका कैप्सूल। कुछ जीवाणुओं में कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विशेष संरचनाएँ भी होते हैं जो उन्हें सतहों पर ले जाने, छड़ी बनाने या यहाँ तक कि जीवाणु के साथ अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जो फ्लैजिलम है वो जो चाबुक होता है उसकी तरह दिखाई देती है और बैक्टीरिया को स्थानांतरित करने में मदद करती है। यह इसका फ्लैजिलम जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। फिब्रिल कई बाल जैसी संरचनाएँ हैं जो मेजबान कोशिका या अन्य सतहों के साथ अनुलग्न के रूप में कार्य करती हैं। बैक्टीरिया में रूढ़ जैसी संरचनाएँ भी हो सकती हैं जिन्हें पिल्ली के नाम से जाना जाता है जो विभिन्न किस्मों में आती है। उदाहरण के लिए कुछ प्रकार की पिल्ली एक जीवाणु को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। आर्किया में इनमें से अधिकांश कोशिकाओं की सतह की विशेषता भी हो सकती है, लेकिन एक विशेष सुविधा के उनके संस्करण आमतौर पर बैक्टीरिया से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किया में एक कोशिका भिन्न होती है, यह पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर नहीं बनती है, हालांकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपस्थित होता है। सेल का साइज जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका 0.1 से 5 माइक्रोन होती है और यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में काफ़ी छोटी होती है, जिसमें आमतौर पर 10 से लेकर 100 माइक्रोन तक व्यास मापा गया है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक पौधे और जानवर कोशिकाओं के साथ साथ अन्य अणु जो जीवों को एक लघु गणित के पैमाने पर दिखाता है। लघु गणित के पैमाने में वृद्धि की प्रत्येक इकाई को मापा जा सकता है और यह 10 गुना वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है।
इसलिए बड़े आकार के अंतर है जिस जिनकी के बारे में हम बात करेंगे। ये डिफरेंट साइज के कोशिकाएं वगैरह हैं जिसपे कि 1 नैनोमीटर, ये 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है लिपिड का साइज। प्रोटीन जो है वो 8 से लेकर 10 नैनोमीटर के मध्य है। वायरस जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर होते हैं, जबकि बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी सेम 1 माइक्रोमीटर की माप का ही होता है। इसी प्रकार से प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती हैं जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर के मध्य में 50 माइक्रोमीटर के लगभग होती है। ये एग सेल, फ्रॉग सेल, एग सेल 1 मिलीमीटर, और चिकन जो होता है, एग जो होता है वो 50 नैनो मिलीमीटर तक होता है। यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस है। डेफिनेशन, ऐसी सेल जो कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स रखती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका है, जबकि जिनमें ये नहीं उपस्थित होते वो प्रोकैरियोटिक कोशिका। इनके एग्जांपल एनिमल सेल, प्लांट, फंजाई एक्सेट्रा, बैक्टीरिया और आर्किया इनके एग्जांपल। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। साइज जो होता है वो 10 to 100 से ठीक वो होता है, लेकिन इसमें स्मॉल होता है, 5 to 5 माइक्रोन तक होता है। हाईली रेगुलेटेड विद सेलेक्टेड ऑर्गन एंड सिक्वेंसेस, रेप्लिकेट्स एंटायर जीनोम एट वंस। ऑर्गेनिज्म टाइप यूजुअली मल्टी सेलुलर, यू सेलुलर। राइबोसोम लार्ज होते हैं, इनमें स्मॉल होते हैं। ग्रोथ जो होते हैं वो स्लो होती है यूकैरियोट में, और जबकि प्रोकैरियोट में फास्ट होती है। ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो कि गुणसूत्र के रूप में होती है उपस्थित होते हैं, इसमें भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वो इतने यहाँ पर। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव दिस एबिलिटी। सेल वॉल सिंपली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। सेल वॉल केवल प्लांट और फंजाई में पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका में, जबकि प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। थैंक यू।